तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं प्रगति मैदान एजुकेशन फेयर में और मिलते हैं आपसे वहीं पर। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं पर। तो चलो चले। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सेक्टर 52 मेट्रो। अब देख सकते हैं नज़ारा और चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे मेट्रो के अंदर ही। तो चले, देखो वो रहा मेट्रो। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे मेट्रो के अंदर ही। तो दोस्तों, हम फाइनली आ चुके हैं प्रगति मैदान में और हम गेट नंबर 10 से एंट्री लेने वाले हैं। तो चलते हैं। वैसे तो ये गेट नंबर 1 हमेशा खुला रहता है, लेकिन जब भी कुछ प्रोग्राम होता है ये वाला गेट बंद कर देते हैं, पता नहीं क्यों कर देते हैं। तो चलो चलते हैं, भीड़ कंट्रोल करने के लिए। तो ये देखो, तो चलो अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अंदर जब हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा हॉल नंबर 8 और 10। तो चलो, यहाँ पता बहुत भीड़ रहती है ट्रेड फेयर वाले दिन। इस टाइम तो खाली है, पता लाइन नहीं मिलती यहाँ से। तो चलो दोस्तों, हम गेट नंबर 10 से एंट्री लेते हैं। ये रही ऊपर मेट्रो। आज मैं फर्स्ट टाइम मेट्रो से आया हूँ प्रगति मैदान, पहली बार यहाँ से ट्रेन से आता हूँ। ट्रेन कब की होती? तो चलो चल दो दोस्तों, चलते हैं हम। ट्रेन कब की होती दोस्तों? आज देखो, आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। ट्रेड फेयर वाले दिन यहाँ जगह नहीं मिलती खड़े होने की, और एजुकेशन फेयर वाले दिन भी, और आज तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं है। काउंसिलिंग है, चूज द इंजीनियर मैनेजमेंट मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूशन। देखते हैं क्या होता है इस वाले एजुकेशन एक्सपो में, क्या होता है क्या नहीं। पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे है? चलो दोस्तों, हम चलते हैं काउंसिलिंग अटेंड करने। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। देखो हमारे, हम खाली हाथ आए थे, इतने सारे थैले हमारे हाथ में आ चुके हैं, और एक थैला इसके हाथ में, ये 3-4 थैले मेरे हाथ में। और चलो देखते हैं, और यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अमेठी यहाँ पे है, SGT यहाँ पर है, गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। ये बेचारा ये आया था, लेकिन ये अभी इसने 10th करी है, तो इसको 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 सब भगा दे रहे हैं, कहते हैं आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। और मैं तो बिना काम के लिए आया था, तो ऐसे आया था घूमने के लिए, मेरे काम हो रहे हैं यहाँ पर और किसी के काम नहीं हो रहे। तो चलो चलते हैं, और भी हम हॉल घूमते हैं, सब जगह घूमते हैं। अभी हमने 3-4 यूनिवर्सिटी घूम लिया हमने। उनका फीस स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा है, पैकेज एकदम कम है उनका। इतना उस वाले का फीस स्ट्रक्चर एकदम कम था, और मिनिमम 8 लाख पैकेज इसका जो फर्स्ट। हाँ, और ये पता नहीं कितना, अरे ये 1,35,000, 1,20,000 ऐसे है, लेकिन इनका पैकेज कम है। 3 लाख 4 लाख सबसे कम उसी का था, सबसे कम जो था जो फर्स्ट वाले में गए थे, क्या था ना, ओम सा आया था ना, सबसे कम उसी का था, और सबसे बड़े उसी का स्टॉल था। तो चलो दोस्तों चलते हैं, हम चलते हैं हॉल नंबर 8 में और 10 में। यहाँ पे तो 7 में कुछ नहीं दिखा हमें, तो चलो चलते हैं। अमेठी में चलते हैं, अमेठी में। तो चलो अमेठी में चलते हैं, चलो अमेठी कॉलेज में, अमेठी में देखते हैं। तो चलो दोस्तों, हम इतनी दूर आए, कुछ तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, इतने सारे थैले हो गए, सब्जी के काम आएंगे सारे, बाहर जाने के रास्ते पर आ गए। तो दोस्तों, थैले काम आएंगे हमारे। हाँ, बाहर आ गए भाई, चलो भाई चल दोबारा। तो दोस्तों, थैले हमारे काम आएंगे सब्जी के। अब क्या करेंगे, अभी ये अलग जाएगा, मैं अलग जाऊँगा, थैले और हो जाएंगे बहुत सारे। तो ये हमारा प्लान है, हम फिर हम बेचेंगे, कहेंगे 100 के 500 के। हम एक साथ जा रहे हैं ना भाई, सुनो यार, क्या हम एक जा रहे थे, एक एक थैला पकड़ा दे रहे हैं, और हम अलग अलग जाएंगे, 2 थैले तो मिलेंगे कम से कम। तो चलो चलते हैं दोबारा, अभी टाइम बहुत है, घूमेंगे आराम से, और फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। कितने बज रहे हैं अभी? कितने बज रहे हो? चलते हैं अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, थोड़ा सा थैले और इकट्ठा कर लें, 3-4-5-6। तो चलो दोस्तों चलते हैं। हैं भाई, वहाँ पर तो समझ आ रहा था कि करना क्या है, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने खामा का यहाँ का पासबुक कर लिया क्या?
करे क्या हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार करना क्या है। पर टच स्क्रीन नहीं है ये, बताना क्या करना है, कहाँ जाए मुझे क्या पता। सब मैकबुक रखे हैं, सबके पास मैकबुक है भाई, सबके पास टोटल। हाँ वहाँ चलते हैं, गूगल क्लाउड में चलते हैं, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ जानकारी एक ही समझ में आया हमको, हमको गूगल क्लाउड। तो दोस्तों फाइनली हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बस की कुछ नहीं है, हमको हम कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। तो हमने हमने पास खामा का बुक कर लिया था अपना, तो चलो दोबारे चलते हैं। दोस्तों 999 का एक पास पड़ा हमको, 1000 रुपये का, 1000 रुपये पानी में गए हैं, पैसा बर्बाद करने का शौक है हमें। चलो चलते हैं भाई, लोग तो बहुत आ रहे हैं यार, क्या पता है इनको इनको समझ हो इस चीज़ की, हमको तो ही नहीं है समझ इस चीज़ की। अबे ये लोग उससे आ रहे हैं घूम फिर, हाँ ये सब मूड मार रहे हैं। चलो दोस्तों चलते हैं हम भी। तो दोस्तों हमको यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हम जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं वापस, कम से कम थैले तो मिलते हैं, हॉल नंबर 8 से मिला ही नहीं, कम से कम थैले तो मिलेंगे, कम से कम कुछ समझ तो आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे कैसे हम घुस गए, कहाँ घुस गए कहाँ नहीं। तो मस्त है, एकदम सजाया, बहुत ही खतरनाक था। अगर आपको बताना COD के बारे में क्या चीज़ है, तो अभी हमको सजेस्ट करना भाई, कमेंट करके बताना है ना कि है क्या COD। तो चलो चलते हैं हम, इसमें क्या हो रहा है, गाने बज रहे हैं, हॉल नंबर 7 ही है भैया ये, 7 उधर भी, 7 इधर भी, इतना बड़ा है कि हॉल नंबर 7 है। इसमें चले क्या, तो हो क्या रहा है इसके अंदर, आज देखते हैं कहाँ से एंट्री है, क्या यहाँ बात होगी एंट्री इसकी, यहाँ से नहीं है। तो दोस्तों हम फाइनली बैठ चुके हैं बस में और चल रहे अपने घर, स्नान कर रहे हैं, आए थे पैदल, जा रहे हैं बस में। क्या कहना चाहोगे आप, कुछ नहीं, कुछ क्या, कुछ नॉलेज मिली आपको, सर में दर्द हो गया बस, अब यही नॉलेज मिली थी क्या कहते हैं, स्प्रिंग खानी पड़ेगी तभी सर दर्द ठीक होएगा। चलिए तो भाई वही काम कर लीजिएगा घर जाके, है ना। तो देखो इसी हॉल में था हमारा, 10 नंबर का बोर्ड लगा रखा है लेकिन 8 से 6 दे रखा है। चलो तो दोस्तों फाइनली इतने सब्जी के थैले इकट्ठे करने के बाद हम जा रहे हैं अपने घर, और अभी से कर लो तो बैग उठाना है फिर तो, और ये अपने रास्ते अब, और मैं अपने रास्ते, है ना, लेमन सोडा। तो दोस्तों अब फाइनली टाइम आ चुका है अलविदा बोलने का इसको, तो मेट्रो स्टेशन में मिल रहा होगा इनसे सस्ता तो। हाँ सही कह रहे हैं, मेट्रो स्टेशन में घर पे चेंज करूंगा, उधर ही कुछ खा लूंगा पे। हाँ 20 रुपए की वेज पेटी मिल रही है वही काम है, और जगह यहाँ बहुत महंगा सामान है। तो दोस्तों फाइनली अब हम चलते हैं मेट्रो में, मतलब हम इधर ही बेचे तो स्टॉल लगा देते सिकंजी का, बस स्टॉल 10-12 लगा देते, रेंट पे दे देते हैं, सैलरी पे, मतलब सैलरी बेस पे, एक महीने में लखपति बन जाएंगे ऐसे तुरंत। फिर लगेंगे कि कहाँ से पैसा आया, लोगेंगे कहाँ से पैसा आएगा, कहेंगे खस्ता कचौड़ी बेच के। और दोस्तों अब हम ऐसे कहेंगे हम एंटरप्रेन्योर हैं। हाँ एंटरप्रेन्योर, कचौड़ी बेचने का सिस्टम था। हाँ आजकल जो भी वो भेजता है ना उसको हम एंटरप्रेन्योर ही कहते हैं, एंटरप्रेन्योर है, साफ सीधी बात है। तो चलो दोस्तों अब हम चलते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं पुणे से, हमको 1 घंटा लगेगा जाने में, तो चलो मुझको 1 घंटा, इसको 1.5 घंटा, 2 घंटा भी लग जाएगा, मुझे और मुझे मात्र 1 घंटा लगेगा, मात्र 1 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, मैंने 10 बजे मेट्रो पकड़ी थी, 40 मिनट में आ गया था यहाँ। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर, आप देख सकते हैं अभी उस तरफ आएगा मेरा भाई, तब दिखाते हैं आपको उसको जूम करके, तो उसने कहा कि मैं चला जाऊँगा जब जाना नहीं, तो चलो बाय हेलो करेगा तब चलते हैं, तो चलो। तो दोस्तों देखो आ चुका है वो वाइट ड्रेस में,